आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव गांव जाके बताते थे कि नहीं बताते थे? बताते थे कि नहीं बताते थे? उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उन सबको वो जेल में भेज देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने किया क्या? जो लोग मायावती को सबसे प्रिय थे, मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही 2-4 महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कैसे अधिकारियों को बिठाया था सीबीआई ने, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है। ये लूटते थे क्या? ये गरीबों के पैसे लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों, ये गरीबों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? ये ईमानदारों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों बहनों, आखिर पर सबको मुझ पर गुस्सा क्यों आता है? ये सब इतने मुझ पर गुस्सा क्यों है? ये सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? जो कभी एक दूसरे से बात न करे, मायावती मुलायम सिंह के पक्ष में न बोले, मुलायम सिंह जी मायावती के पक्ष में न बोले, मायावती अखिलेश के साथ न हो, अखिलेश मायावती के साथ न हो, हमेशा आपने देखा होगा वो कहेगी सूरज है तो ये कहेगा चंदा है। लेकिन एक विषय ऐसा आया जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है, सब इकट्ठे हो गए। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी।